तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ना कि न्यू रूमर सामने आया कि जो हीरो कंपनी है ना, तो इनके तरफ से कि 350 सीसी वाला जो इंजन है ना, तो ये डेवलप किया जा रहा है। और ये किस वजह से पता है आपको? चलो मैं ही बोलता हूँ। और ये जो है ना, तो ये है हीरो कंपनी का ही अपकमिंग है कि क्रूजर 350 के लिए। और ये जो क्रूजर वाला मॉडल है ना, तो इसके बारे में बात अभी रेट में ऐसे ही है कि जो रॉयल एनफील्ड का क्लासिक या फिर बुलेट 350 के जैसा जो मॉडल है ना, तो उस तरीके का एक जो मॉडल है, तो वो हीरो कंपनी की तरफ से आने वाला है बहुत ही जल्दी। वीडियो को अगर पूरा देखते रहना, क्योंकि मैं और भी कुछ चीजें हैं जो कि अगर आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक न्यू रूमर सामने आया कि ये जो हीरो कंपनी है ना, तो इनके तरफ से कि न्यू 350 सीसी वाला जो इंजन है ना, तो वो डेवलप किया जा रहा है। और वो किस वजह से पता है आपको? भाई चलो बोल ही देता हूं मैं। वो जो है ना, तो वो है हीरो कंपनी का ही अपकमिंग एक क्रूजर वाले बाइक के लिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में कुछ ऐसा ही सवाल होगा कि ये जो हीरो कंपनी है ना, तो ये अचानक से क्यों भाई क्रूजर टाइप का बाइक और वो भी 350 सीसी के अंदर बनाना चाहेगा? बात कुछ ऐसे, देखो दोस्तों अभी के रेट में कुछ ऐसा ही सीन है कि देखो दोस्तों आज से बहुत दिनों पहले जो है तो वो रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से बुलेट 350 और क्लासिक 350 जो है ना, तो वो आया था इस इंडियन मार्केट में भी और ग्लोबली। और इंडियन मार्केट के अंदर रॉयल एनफील्ड का जो सेल है ना भाई, तो वो तो आप लोग जानते होंगे कि बुलेट 350 और क्लासिक 350 का किस तरीके से है। तो ये जो तबाही वाला सेल है ना, तो इसको देखते हुए होंडा कंपनी की तरफ से भी एक रॉयल एनफील्ड का ही कॉपी पेस्ट वाला लगभग कह सकते हो एक मॉडल जो है ना, तो वो सामने आया था जो कि 350 सीसी के अंदर ही था भाई। और वो जो मॉडल है ना, तो वो अभी तक चल भी रहा है। तो ये जो चीज है ना, तो ये देखने के बाद हीरो कंपनी भाई कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा कि अगर होंडा कंपनी, अगर रॉयल एनफील्ड कंपनी का कोई एक मॉडल से भाई इंस्पायर्ड हो सकता है और वो भी सेल कर सकता है, तो भाई मैं क्यों नहीं भाई, मतलब ऐसा ही कुछ सीन है। तो बात कुछ अभी के रेट में ऐसा ही है कि ये जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है ना, तो इनके तरफ से जो क्लासिक 350 वाला जो बाइक या फिर बुलेट 350 वाला जो क्रूजर बाइक है ना, तो उस तरीके का ही जो बाइक है, तो वो अभी हीरो कंपनी बनाने वाला है, जो कि भाई अभी के रेट में बोला यही जा रहा है कि 350 सीसी के अंदर होगा। और अभी के रेट में ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो 350 सीसी वाला इंजन है ना, तो ये शायद से लिक्विड कूल नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई हीरो कंपनी जो है ना, तो वो भाई टारगेट कर रहा है भाई सबसे सस्ते में कौन सा भाई वैल्यू फॉर मनी जो मॉडल है ना, तो वो बनाए। मतलब ऐसा ही कुछ सीन है कि ये जो रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से जो क्लासिक 350 के अंदर जो इंजन देखने को मिलता है ना, तो लगभग उस टाइप का ही जो इंजन है, तो वो हमें देखने को मिलने वाला है हीरो कंपनी की तरफ से, वो भी 350 सीसी कैटेगरी के अंदर। मतलब कि अपकमिंग हीरो कंपनी का ही जो 350 सीसी वाला न्यू जो मॉडल आएगा ना, तो उसके अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा, तो वो भी एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल वाला ही जो इंजन है, तो वो कुछ देखने को मिल सकता है। और ज्यादा अगर होता है तो भाई ऑयल कूल वाला, इससे ऊपर भाई शायद से नहीं होगा, मतलब ऐसा ही कुछ अभी बोला जा रहा है। और इसके अलावा ये भी कुछ बात है कि ये जो हीरो कंपनी का जो अपकमिंग उनका 350 सीसी वाला जो इंजन है ना, तो वो जो मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करने वाला है, तो वो भी भाई 19 से लेके 22 बीएचपी के अंदर अंदर का जो मैक्सिमम पावर है ना, तो उसके साथ में हमें देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ जो टॉर्क भी है ना, तो वो भी भाई 19 से लेके 25 एनएम के अंदर अंदर जो है ना, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा तो ये भी कुछ बोला जा रहा है कि जो फिफ्थ स्पीड वाला गियर बॉक्स है ना, तो वो भी उस वाले इंजन के साथ में देखने को मिलने वाले हैं। अब बात ये भी है कि देखो दोस्तों, ये जो इंजन के साथ में जो मॉडल आएगा ना, तो उसके अंदर पहले बात तो जो लुक्स बोला जा रहा है, तो वो आज के डेट के जो रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 वाला जो मॉडल है ना, तो उससे कुछ इंस्पायर्ड सा देखने में होगा। मतलब जिस तरीके से अभी रेट में होंडा कंपनी का ही एक जो बाइक आपके सामने है, वो तो इस तरीके का एक जो लुक है ना, तो इसके तरह ही एक जो न्यू लुक है, तो उसके साथ में हीरो कंपनी का भी एक न्यू 350 सीसी वाला क्रूजर बाइक आने वाला है। अब बात ये भी है, देखो दोस्तों, ये जो हीरो कंपनी की तरफ से उनका जो न्यू 350 सीसी वाला क्रूजर मॉडल जो आएगा ना, तो उसके अंदर भाई लाइट्स के सेटअप के अंदर आपको एलईडी लाइट्स भी देखने को मिलेगा, ऐसा भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ में आपको देखने को मिलने वाला है जो ब्रेकिंग सिस्टम ना, तो वो भी आपको डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल देखने को मिलेगा। और हाँ, स्पोक व्हील्स वाला जो ऑप्शन है ना, तो उसके बारे में कुछ ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। मतलब कि भाई जो अलॉय व्हील्स वाला जो सिस्टम है ना, तो वही कुछ सामने आया है, मतलब एक रूमर ये है लेकिन सामने यही आया है। और इसके ही साथ साथ हीरो कंपनी का भी जो अपकमिंग क्रूजर वाला मॉडल है ना, तो ज्यादातर चांसेस ऐसा ही है कि उसके अंदर आपको सामने टेलीस्कोपिक वाला सस्पेंशन सेटअप जो है, तो वही कुछ देखने को मिलने वाले हैं। और पीछे जो है ना, तो वो आपको कॉयल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स जो है ना, तो वो कुछ देखने को मिलेगा भाई, तभी तो एक क्लासिक वाला फील आएगा ना। अदरवाइज
अदरवाइज कैसे ही आएगा। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि है हीरो कंपनी का जो अपकमिंग उनका क्रूजर बाइक जो आएगा 350cc के अंदर, तो उसके अंदर आपको जो मिडल कंसोल है ना, तो वो भी भाई एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला देखने को मिलेगा, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके साथ में आपको राइडिंग मोड से लेकर और इसके ही साथ साथ जो ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर और इसके अलावा फ्यूल गेज वगैरह, इसके ही साथ साथ जो भाई ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी है, तो ये सारा जो चीज है ना, तो ये भी देखने को मिलने वाले हैं हीरो कंपनी की तरफ से ही अपकमिंग उनका क्रूजर 350 में। अब बात कुछ यही है कि ये जो क्रूजर 350 वाला मॉडल है ना, तो इसका भी जो प्राइस जो हीरो कंपनी की तरफ से जब सेट किया जाएगा ना, तो एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि 1.40 लाख से लेके 1.7 लाख के अंदर अंदर जो है ना, तो वो हमें कुछ देखने को मिल सकता है। और इसके ही साथ साथ ये भी है कि ये जो हीरो कंपनी का जो अपकमिंग उनका क्रूजर 350 वाला मॉडल है ना, तो वो भी भाई इसी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होते होते एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है 2025 का जो आखिरी महीना है ना, तो वो कुछ लग सकता है भाई। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।